सामना लाइव न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं अशफाकली, देखते हैं आज की खास खबर। टीकमगढ़ जिला सहित संपूर्ण नगर पालिका क्षेत्र में बिजली कटौती को लेकर कांग्रेस का धरना प्रदर्शन। बिजली विभाग के मंत्री के खिलाफ नारे लगाते हुए भाजपा सरकार को जमकर कोसा। मध्य प्रदेश टीकमगढ़ जिले में कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा बिजली कटौती को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया और बिजली विभाग के मंत्री के खिलाफ नारे लगाते हुए भाजपा सरकार के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया। इस मौके पर कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष डॉक्टर इसरार मोहम्मद, महिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती रजनी पूनम जायसवाल सहित कांग्रेस के कार्यकारी जिला अध्यक्ष गौरव शर्मा यादव, अरविंद खटीक, अशोक अहरवार, संजय नायक सहित तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारीगण मौजूद रहे। टीकमगढ़ से जमील खान की खास रिपोर्ट। कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी के निर्देशानुसार और जनभावनाओं के सुख सुविधाओं में निरंतर इस घड़ी 45 डिग्री और 46 डिग्री तापमान के बीच जो बिजली कटौती शासन के द्वारा और स्थानीय प्रशासन के द्वारा की जा रही है, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सभी घरों में छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं और ऐसे इतने अभी टेम्परेचर में बिजली का काटा जाना, पानी की समय पर उपलब्ध न कराना कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार और स्थानीय सरकार के द्वारा लोगों के ऊपर किया जा रहा बहुत बड़ा भेदभाव है। इसी के विरोध में माननीय कमलनाथ जी के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में आज समस्त नगरीय निकाय और समस्त जिला स्तर पर इस आयोजन को किया जा रहा है। गौरव जी, इसमें क्या आप अधिकारियों से भी जाके आप लोग मिलोगे, क्या अधिकारियों से बात करोगे? निश्चित रूप से आज हमारा ये पहला चरणबद्ध तरीके से होने वाले आंदोलनों में पहला कदम था। आगे अगर व्यवस्था नहीं सुधरी तो हम निरंतर धरना प्रदर्शन करेंगे और अधिकारियों के पास वो प्रदर्शन करना।